बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर वो अपने फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। वहीं अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें बिग बॉस 13 के बारे में बात करते देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बिग बॉस के घर में बीते दिनों घर वालों ने राखी के नाम का जिक्र किया था। अब उनका नाम कोई ले और उस पर राखी का कोई रिएक्शन ना आए, ऐसा तो होना मुश्किल है। राखी ने इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वीडियोस पोस्ट किए। पहले वीडियो में राखी बिग बॉस की तारीफ करती नजर आई। उन्होंने कहा, बिग बॉस मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। बिग बॉस 13 में बहुत मजा आ रहा है। उसमें मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला, पारस छाबड़ा, शिफाली जरीवाला, सब मेरे ही दोस्त हैं। मुझे पता है कि उन्होंने मेरा थोड़ा नाम उछाला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल उगते हैं उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। मैं टॉक ऑफ द टाउन हूँ। वहीं दूसरे वीडियो में राखी कहती नजर आ रही हैं कि कोई कहते हैं पंजाब की राखी सावंत, कोई कुर्ला की, धारावी की राखी सावंत कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की राखी सावंत। दुनिया वालों सुन लो, लेकिन राखी सावंत इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, यहाँ मेहनत करके आए हैं। बता दें कि इसके बाद जो राखी ने कहा वो काफी हैरान करने वाला है। राखी कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि राखी सावंत बनना कोई आम बात नहीं है, चप्पल घिस कर आए हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर बनते हैं राखी सावंत। जैसे ओसामा बिन लादिन बना सबको मार मार कर, वैसे ही मोदी जी भी मेहनत करके बने हैं और वैसे ही हम भी बने हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे वीडियो में आगे अपनी बात रखते हुए राखी ने खुद को मोदी जी और ओसामा बिन लादेन से तुलना की है। हालांकि वीडियो में उन्हें ओसामा की जगह ओबामा कहते हुए देखा गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बेचारा ओबामा ये सुनकर सुसाइड ना कर ले। बताते चले कि बिग बॉस में शहनाज गिल को पंजाब की राखी सावंत कहा जा रहा है। यही वजह है कि राखी ने बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट कर डाले हैं।